नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ बेटस नर्सिंग क्लासेस में। और साथियों, आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है वुंड। आप सभी जानते हैं वुंड के बारे में कि वुंड क्या होता है, पर वुंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं वुंड। और वुंड को मैं सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में कहूँ तो आप सभी जानते हैं ये क्या होता है सर, घाव, है ना। घाव का बन जाना ही क्या कहलाता है, वुंड कहलाता है। लेकिन ये तो हम हमारी आम भाषा में कहते हैं कि वुंड वो है जिसमें क्या हो गया है, घाव बन गया है। वुंड क्या है साथियों, वो है जिसमें घाव बन गया। पर एग्जामिनर को क्या चाहिए भाई, एग्जामिनर को तो चाहिए उसकी डेफिनेशन। बताइएगा एग्जामिनर क्या कहेगा कि हमें तो क्या बताओ, डेफिनेशन बताओ। तो देखो, जैसे ये क्या है, अपनी स्किन है ना, ये एक स्किन चल रही है और इस स्किन में कहीं पर ऐसे बन जाए, ऐसे जैसे मैंने हटा दिया, मतलब स्किन की जो कंटिन्यूटी है, क्या है साथियों, जो कंटिन्यू है वो स्किन, उस कंटिन्यूटी में क्या आ जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए और वहां पर क्या हो जाए, सेल और टिश्यू जो है वो डैमेज्ड हो जाए। उस कंडीशन को ही आप क्या कह देते हैं, घाव कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, घाव कह देते हैं। वुंड सिंपल भाषा में तो क्या कह सकते हो आप इसे, इसे हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यू द स्किन। स्किन का क्या हो जाना, डिसकंटिन्यूटी हो जाना ही वुंड कहलाता है या घाव कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ ऐसे हो सकती है कि ब्रेक द, क्या बोल सकते हैं साथियों, ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, कंटिन्यूटी ऑफ स्किन या आपके कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू बोल लो, स्किन बोल लो, सेल बोल लो, नॉन एज वुंड, वही क्या कहलाता है साथियों, आपका वुंड कहलाता है। कि क्या हो जाना, वुंड में डिसकंटिन्यू हो जाना स्किन का सिंपल भाषा में, और ब्रेक हो जाना उन सेल और टिश्यू का जो कि क्या करते हैं, कंटिन्यूशन में रखने का काम करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं डियर, उसे हम वुंड कह देते हैं। तो बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या बता दिया, घाव और वुंड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहां तक बताकर चलने के बाद में आप आगे बताकर चले, और आगे क्या बताकर चले, ये जो वुंड है ये वुंड का एक क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है साथियों, वुंड का क्लासिफिकेशन होता है, वेरी गुड। और ये क्लासिफिकेशन जो होता है, चलिए मान लिया कि टाइप्स हैं, पर ये क्लासिफिकेशन दिया किसने था, है ये क्लासिफिकेशन दिया किसने था, तो ये क्लासिफिकेशन दिया था साथियों एक वेकेफील्ड नामक व्यक्ति ने। क्या नाम बोल रहा हूं, वेकेफील्ड नामक व्यक्ति ने। एग्जाम में दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि वुंड का क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया है, वेकेफील्ड ने दिया है। ठीक, सिंपल सी। अच्छा, इसके बेसिस पर कितने टाइप्स के वुंड होते हैं, ध्यान दो, इसके बेसिस पर कितने टाइप्स के वुंड हो सकते हैं, या फिर इसके आधार पर भी हम ये पहले देख लें कि अकॉर्डिंग टू, किसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के आधार पर वुंड का क्लासिफिकेशन जो है वो वुंड का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, ध्यान दें। सबसे पहले अगर वुंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर एक होता है साथियों ड्यूरेशन ऑफ वुंड। क्या बोल रहा हूं, ड्यूरेशन ऑफ वुंड, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब ये है कि ये जो वुंड है ये शॉर्ट टर्म है क्या, है ये वुंड जो है आपका, ये वुंड क्या है, ये एक्यूट है क्या, ये वुंड आपका क्रॉनिक है क्या, मतलब इसे अभी लेस देन 15 डेज हुए हैं क्या, या मोर देन 15 डेज जो है वो हो चुके हैं, ये वुंड की बातें हैं साथियों। चलिए पहली बात कर ली हमने, ड्यूरेशन के आधार पर ही वुंड हो सकता है। दूसरी बात कर सकते हैं साथियों, इसके ड्यूरेशन के बाद में इसके जो है वुंड और वुंड की डेप्थ के बारे में, क्या बोल सकते हैं साथियों, वुंड ऑफ डेप्थ या डेप्थ ऑफ वुंड भी आप इसे कह सकते हैं। डेप्थ का मतलब होता है साथियों गहराई, है ना, कितना वुंड है, एक वुंड हो सकता है आपका सुपरफिशियली और एक वुंड हो सकता है आपका डीप। क्या हो सकता है साथियों, एक वुंड हो सकता है आपका सुपरफिशियली और एक वुंड हो सकता है आपका गहरा वुंड। चलिए भैया ठीक है भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेप्थ के बाद में,
और नेक्स्ट हम बात करें तो साथियों नेक्स्ट होता है मॉर्फोलॉजिकल वुंड। कौन से वुंड की बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल वुंड। मॉर्फोलॉजिकल वुंड का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी वर्ड जो है वो किस बात को दिखाता है? वो दिखाता है साथियों आपके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? जब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये उसके बारे में हमें दिखाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजी मतलब, और स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है? कि वुंड ऐसा है, कि वुंड ऐसा है, कि वुंड ऐसा है, जैसा भी वुंड है उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी वुंड क्या होते हैं? वुंड होते हैं। चलिए भैया और देख लेते हैं नंबर चार। नंबर चार की अगर बात करी जाए साथियों तो एक वुंड होता है आपका डिग्री ऑफ वुंड। आपने सुना है कि डिग्री ऑफ बर्न है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, सुना है, फोर्थ डिग्री बर्न, सुना है, बिल्कुल सुना होगा। उसी तरीके से वुंड में भी क्या होती है? डिग्री होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इस तरीके से कुछ वुंड और वुंड के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, जनरली हम बताकर चल सकते हैं। एक और बता देता हूं साथियों, चार हो गए हैं तो पांच कर लेते हैं हम, और नंबर पांच अपन इधर ही लिख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। किसके आधार पर बोल रहा हूं साथियों? सीवियरिटी के आधार पर भी क्या होता है? वुंड जो है वो वुंड होता है। सीवियरिटी का मतलब ये डेंजरस रूप ले चुका है, ये बहुत ज्यादा सीवियर है, ये माइल्ड वुंड है, ये मॉडरेट है, या ये सीवियर वुंड है। इस तरीके से वुंड जो है उस वुंड के आप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैकफील्ड के हिसाब से आप बता सकते हैं, है? या अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के बेसिस पर आपने पांच तरीके के वुंड बता दिए फटाफट से। अरे बता दिए ना, डेप्थ के आधार पर बता दिया, मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी बता दिया, सीवियरिटी के आधार पर बता दिया। बताए कि नहीं बताए? बिल्कुल बता दिए सर, है? इसके अलावा स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपने बता दिया, बोलो बताया कि नहीं बताया? इसके अलावा आपने वुंड जो है उसके ड्यूरेशन के आधार पर बता दिया, डिग्री के आधार पर बता दिया। इस तरीके से आपने काफी सारे वुंड्स के बारे में बता दिया। पर कुछ और वुंड होते हैं और वो स्पेसिफिक वुंड होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना साथियों जरूरी। अरे भाई जिंदगी में घाव बहुत होते हैं देने वाले, पर भरने वाले बहुत कम होते हैं, तो उन्हीं के बारे में देखिए, हैं? देखो कैसे कैसे कुछ लोग होते हैं जो पास में रहकर घाव दे देते हैं, और उन्हें हम क्या नाम दे दें भाई, हैं? जो पास वाले घाव दे देते हैं उन्हें हम कह देते हैं साथियों, उसका नाम हम दे देते हैं क्या, ये वाला नाम दे देते हैं। देखो क्लोज वुंड, सुना है क्या? बिल्कुल सुना होगा सर, है क्लोज वुंड। अरे ये सोड़ो, बिल्कुल। और क्लोज वुंड के अलावा एक वुंड जो होता है, क्लोज है ये बंद वाला है, तो दूसरा वुंड होगा साथियों आपका ओपन वुंड। बताओ है, ऐसे पढ़ लेंगे? बताओ मेरे को। अरे ये सोड़ो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो तो सर ही। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो फिर, देखो तो नहीं दिक्कत है। अपन बात कर रहे हैं एक तरफ क्लोज वुंड की और एक तरफ आपकी ओपन वुंड की। देखो भैया, ओपन वुंड मतलब वो घाव जो आपको आसानी से क्या कर रहा है भाई, सिंपल भाषा में बोलूं तो जो आपको आसानी से दिखाई पड़ रहा है वो वाला है, दिखाई देता हो, है दिखाई दे रहा हो, और ये दिखाई ना देता हो साहब, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज वुंड बोलेंगे, दिखाई नहीं देता हो। चलिए भाई, बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए वेरी गुड, ध्यान दे, देखिएगा ओपन वुंड में क्या कहेंगे कि स्किन जो है वो स्किन क्या हो रही है? ब्रेक तो हो रही है, हैं? ब्रेक द स्किन, स्किन ब्रेक तो हो रही है, पर कौन हो रहा है? स्किन का सुपरफिशियल पार्ट, या जो आपको क्या है? इजीली विजिबल पार्ट है। क्या है? इजी विजिबल पार्ट है, जो आप आसानी से देख पा रहे हैं, विजिबल पार्ट है। अच्छा, या आप क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलूं तो ऊपर की जो झिल्ली है वो क्या हो रही है भाई? डैमेज हो रही है। यहां पे भी क्या हो रहा है? ब्रेक द स्किन तो हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है साथियों? ब्रेक द स्किन तो हो रहा है, पर कहां हो रहा है ये ध्यान देने वाली बात है। अंडरलाइन द टिश्यू, कि भैया टिश्यू तो टूटे, घाव तो बना, पर बना कहां पे? ये अंदर की तरफ बना, बाहर नहीं दिख रहा है, है? अंदर की चोट वही है क्लोज वुंड, और बाहर की चोट ओपन वुंड। अंदर की घाव दिखा नहीं करते हैं, बाहर के घाव
दिख जाया करते हैं। अरे हाँ या नहीं, सही बात कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सर। देखो क्लोज वुंड मतलब जो आपके पास में आता हो और आपको मीठी मीठी बातें कहता हो और आप ही के घोसा मारता रहता हो। क्लोज वुंड दे रहा है, कौन सा घाव दे रहा है भाई आपको? क्लोज वुंड दे रहा है। ओपन वुंड भले ही बड़ बोले हो आप, भले ही आप सबके सामने कुछ भी कह देते हो, पर जो हो वो दिल के बिल्कुल शार्प हो। क्लियर बात है क्या? चलो और देखो भाई, इसी के बारे में और देख लेते हैं, है? चलिए, इटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि क्लोज वुंड बनने के जो कारण है वो कारण क्या हो सकते हैं? तो देखो भैया, इंजरी जो है वो इंजरी हो गई हो किससे, कोई ब्लंट इंजरी है, ऐसी इंजरी जैसे कि मुक्का मार दिया मैंने, अरे जैसे कि मैंने क्या कर दिया, मुक्का मार दिया, ब्लंट इंजरी हो जाती हो, वो आपका क्लोज वुंड कहलाता है। और ओपन वुंड के अंदर अगर कॉज की बात करी जाए साथियों, तो क्या होता है, किसी ने क्या कर दिया, सीधा ही छाती पे चाकू घोंस दिया, शार्प इक्विपमेंट से या शार्प इंस्ट्रूमेंट से क्या कर दी गई, आपकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं, आपकी स्किन काट दी गई। अरे चाकू से नसें काट लेते हैं लोग, मत काटा करो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो शार्प इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है कहां पर, ओपन वुंड में, और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है या ब्लंट इंजरी की बात हो रही है कहां पे, क्लोज में। वेरी गुड सर, इसके बाद में बताइएगा यहां पर जो है क्लोज वुंड जो है आपका, इसमें रिस्क किस बात का है, इसमें रिस्क किस बात का है, और ओपन वुंड में रिस्क किस बात का है, बताओ है? रिस्क क्या है? देखो भैया, यहां पर तो ये घाव खुला हुआ है तो यहां पर तो जो है इंफेक्शन होने की चांस क्या है साथियों, बहुत ज्यादा है, है? इंफेक्शन के बहुत ज्यादा चांस है, जबकि यहां पर इंफेक्शन के कोई ऐसे चांस नहीं है। अरे बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है क्या? हां जी। चलिए, ये घाव तो आपको इजी विजिबल होता है, ये घाव आपको इजी विजिबल नहीं होता है। इसके आपको साइन और सिम्टम्स क्या नजर आएंगे और इसके साइन और सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, तो भैया इधर तो लगेगी तो दिखेगा और दिखेगा तो खून भी आएगा, ब्लीडिंग नजर आ सकती है। पर साथियों यहां पर ब्लीडिंग नजर ना आके क्या आएगा, यहां पर इकाइमोसिस है, कौन सा इकाइमोसिस नजर आया आपको? इकाइमोसिस क्या होता है साथियों, इकाइमोसिस की बात करें इस तरीके से देखिएगा, इकाइमोसिस ये वाला है। इकाइमोसिस की अगर आपसे पूछी जाए, बात करी जाए, इकाइमोसिस का मतलब होता है कि क्या होता है साथियों, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन या फिर अंडर द टिश्यू, कि टिश्यू के अंदर क्या हो जाना, कलेक्शन हो जाना कहीं का ब्लड का है, और उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो किसमें, क्लोज वुंड में। एग्जाम्पल देख लो यहां पर अंडरलाइन टिश्यू, मान लो आपकी फीमर फ्रैक्चर है, बाहर से दिख रही है क्या? नहीं दिखती है। दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो आपको छोटी छोटी बातें जो है साथियों वो ध्यान रखनी है। मैंने दो वुंड के बारे में अभी तक जिक्र करा, और आप साथियों को क्या करना है भाई, इन छोटी बातों को भी ध्यान रखकर चलना है। अगर आपने ये छोटी बातें ध्यान नहीं रखी तो आपको बड़ी दिक्कतें हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दो तरीके के वुंड अब तक हमने पढ़ ली, क्लोज वुंड हमने पढ़ लिया, ओपन वुंड हमने पढ़ लिया। शार्प इंस्ट्रूमेंट से हो तो ओपन होता है, और ब्लंट से हो तो क्लोज होता है। सॉरी क्या बात होगी भाई। चलिए, क्लोज से हो तो आपका किससे होता है, ब्लंट ऑब्जेक्ट जो है उस ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों पर, नेक्स्ट बात करते हैं वुंड और वुंड में तीसरे वुंड के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे वुंड की बात करें तो वुंड होता है साथियों सर्जिकल वुंड। कौन से वुंड की बात कर रहा हूं बोलो, सभी बोले सर्जिकल वुंड। देखो सर्जिकल वुंड का मतलब क्या हुआ कि वो वुंड जो सर्जरी आपने कंडक्ट करी और सर्जरी के बाद में क्या हो गया, एक वुंड था वो वुंड अकर हो गया। सर्जरी के बाद में क्या हो गया, एक वुंड अकर हो गया, उस वुंड को नाम दिया जाता है सर्जिकल वुंड। कई बार एग्जामिनर ने क्या कहा कि इट इज ऑल्सो नोन एज, सर्जिकल वुंड का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जिकल वुंड का दूसरा नाम होता है साथियों क्लीन वुंड है। अरे साफ सफाई से ही तो लगाते हो, अच्छा क्लीन वुंड से भी नहीं माना उसने, उस वो नालायक बन गया, उसने कहा एक और नाम बताओ, बता दो, असेप्टिक वुंड।
कौन सा वुंड भैया? एसेप्टिक वुंड। तो भाई नाम देखो कितने भी आ जाएं पर कंफ्यूज हमें नहीं होना। एसेप्टिक वुंड क्या होता है आपका, क्लीन वुंड क्या होता है। अच्छा और बोल दे, वो और बोल दे लो, ये इंसिजन वुंड भी होता है। अच्छा खुद ही ने तो बनाया घाव, अरे खुद ब खुद थोड़ी ना बना, सर्जरी अपने आप थोड़ी ना हुई, आप ही ने तो करवाया, डॉक्टर ने तो करा, तो कौन सा बन गया भाई? सर्जिकल वुंड बन गया। यस और नो? वेरी गुड। चलिए देखो, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डेफिनेशन के बारे में कि भाई सर्जिकल वुंड की डेफिनेशन का जिक्र किया जाए और आपको कहा जाए कि इसके डेफिनेशन बताएं, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल भाषा में बतानी है हमें कि क्या होता है। वैन ए वुंड इज परफॉर्म्ड, वैन ए वुंड इज परफॉर्म्ड बाई ए ट्रेंड पर्सन या बाई ए ट्रेंड सर्जन, कि एक ट्रेंड सर्जन के द्वारा जो है वो ट्रेंड सर्जन के द्वारा क्या किया जा रहा हो, वुंड बनाया जा रहा हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, सर्जिकल वुंड जो है वो सर्जिकल वुंड कहते हैं, है ना। ट्रेंड सर्जन इन ए स्टेराइल फील्ड, स्टेराइल एरिया के अंदर और क्या करा जा रहा हो, यूज ऑफ असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए सर्जिकल वुंड बनाया जाए। किसके द्वारा बनाया जाए? तो बनाया जाए एक ट्रेंड सर्जन के द्वारा। उस वुंड को आप क्या नाम देते हैं भाई? उस वुंड को आप नाम देते हैं सर्जिकल वुंड। क्या होगा कि एक सर्जन के द्वारा वुंड बनाया जा रहा है असेप्टिक टेक्निक का यूज करके स्टेराइल फील्ड पर, दैट इज द क्लीन वुंड, दैट इज द असेप्टिक वुंड, दैट इज द इंसिजन वुंड और दैट इज द सर्जिकल वुंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सर्जिकल वुंड कहलाता है, ठीक है। ये सर्जिकल वुंड जो बनाए जाते हैं उनकी खासियत होती है, सर्जिकल वुंड बनाए जाते हैं उनकी खासियत होती है, ये वुंड रेगुलर होते हैं, ये वुंड कंटिन्यू होते हैं, है ना। इनके एडेज, जो एडेज का मतलब होता है साथियों कॉर्नर, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट काटे जाते हैं, ये ऐसे नहीं काटे जाते कभी भी, है ना। तो सर्जिकल वुंड का एड जो है, एडेज जो है, किनारे जो है, वो क्या होते हैं, बिल्कुल रेगुलर होते हैं एज दूसरे कंपेयर के। और घाव तो कैसा भी बन जाए पर सर्जरी जब करी जाएगी तो इंसिजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाया जाता है, उल्टा सीधा नहीं लगाया जाता है। ये सुनो, अच्छा भाई सर्जिकल वुंड बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप बोल सकते हैं पहला जिम्मेदार तो होता है, किससे बनाया जा सकता है, सर्जिकल ब्लेड काम में ले सकते हैं, या उसे हम सर्जिकल नाइफ भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं भैया? सर्जिकल नाइफ भी बोलते हैं, या एक और इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं रेजर वुंड। क्या बोलते हैं साथियों? रेजर वुंड। इसके माध्यम से भी या इसकी हेल्प से भी क्या करा जा सकता है, वुंड जो है वो वुंड बनाया जा सकता है। क्लियर बात है क्या यहां तक? बोलो फटाफट से हाँ या नहीं। वेरी गुड, आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट वुंड सर्जिकल के बाद में नेक्स्ट वुंड आता है साथियों आपका, भाई ये तो सर्जरी से बना लिया, अब सर्जरी से नहीं खुद ब खुद ही बन गया वुंड, तो मतलब आपको कहीं पे बछेड़ लग गई, आपका कहीं पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे चलते ही बिड़ गए, और उस वुंड को साथियों नाम दिया जाता है, उस वुंड को साथियों नाम दिया जाता है क्या, बोलो भैया, ट्रॉमेटिक वुंड। क्या नाम देते हैं उसे हम? ट्रॉमेटिक वुंड। क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल सर। ट्रॉमेटिक वुंड का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो भाई? ट्रॉमा हुआ है और सडनली कहीं बिड़ गए, तो वहां पर असेप्टिक टेक्निक तो हुई नहीं, तो कैसा वुंड हो गया ये इसको नाम दे दिया हमने सेप्टिक वुंड। क्या नाम दे दिया भाई इसको हमने? सेप्टिक वुंड जो है वो सेप्टिक वुंड नाम दे दिया। अच्छा सेप्टिक वुंड, ये वुंड कैसे अकर हुआ? ये वुंड की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि ये वुंड जो है वो वुंड कैसे अकर हो गया भाई, तो ये वुंड कैसे अकर हुआ, आप सिंपल सी बात कहते हैं कि वुंड व्हेन वुंड अकर अनएक्सपेक्टेड, आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करी, अनएक्सपेक्टेड इंजर्ड या अनएक्सपेक्टेड ट्रोमा,
क्या हो गया, आपने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा और बाइक से मैं भिड़ जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेड ट्रोमा क्या हो गया, रोड एक्सीडेंट में हो गया सर। रोड एक्सीडेंट में अनएक्सपेक्टेड होने वाले ट्रोमा को, अच्छा केवल रोड एक्सीडेंट ही नहीं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं और ऊपर लाइट है सर, इधर लाइट है सर, गिर जाए, अनएक्सपेक्टेड इंजरी होगी। असेप्टिक हुआ कि सेप्टिक हुआ, सिंपल सी बात है, क्या हुआ, सेप्टिक हुआ। ये सुनो तो उसे नाम क्या देते हैं साथियों, ट्रॉमेटिक वुंड देते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सर इसके जो एडेज होंगे क्या होंगे सर, इसके एडेज, इसके जो किनारे होंगे क्या रेगुलर होंगे, अरे रेगुलर होंगे क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी कैसे भी काट सकता है। अच्छा रेगुलर किसमें होते थे, रेगुलर आपके सर्जिकल वुंड में होते थे। यस और नो, वेरी गुड। अच्छा ये मोर रिस्की है कि लेस रिस्की है, रिस्की है ना, अरे रिस्की नहीं रिस्की है, रिस्की की बातें हो रही हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्या, हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें इंफेक्शन बहुत ज्यादा पैदा हो सकता है। यहां पर आपकी कोई सेप्टिक टेक्निक काम में नहीं आई है। यस और नो, वेरी गुड। अच्छा भैया यहां पर मुझे एक बात बताइएगा कि ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग किसमें ज्यादा होती है, ब्लीड, अगर ब्लीड की बात करें, आपसे एक क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज होंगे और गलत आंसर दे रहे होंगे कई बच्चे, इसको सही करो, देखो इसको सही करना कि ब्लड जो है वो ब्लड ज्यादा किसमें आएगा, सर्जिकल वुंड में ब्लड ज्यादा आएगा या आपके ट्रॉमेटिक वुंड में ज्यादा आएगा। देखो सर्जिकल वुंड में ब्लड जो है वो ज्यादा होगा या आपका जो है ट्रॉमेटिक वुंड होगा उसमें ब्लड ज्यादा होगा। तो भैया ब्लड जो है ना वो ब्लड मोर होता है किसके अंदर, सर्जिकल में, और ब्लीडिंग लेस ब्लीडिंग होती है कहीं के अंदर, आपकी लेस ब्लीडिंग होती है आपकी ट्रॉमेटिक में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप उस एरिया को यहां तैयार कर रखे हैं बिल्कुल, और इंसिजन बिल्कुल स्टेप फॉरवर्ड है, यहां थोड़ा कटा पर थोड़ा रुका हुआ है, तो वो दूसरी जो चीजें हैं वो क्या कर लेती है, उस ब्लड को रोक लेती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इतनी बातें हो गई, दो वुंड के बारे में और बता दिया जाए आपको, तो बताओ कैसा रहा है, बिल्कुल बता दो सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और उसे नंबर पांच वुंड जो हम बोलते हैं, नाम है साथियों उसका पंचर वुंड। अरे क्या नाम बोल रहा हूं, पंचर वुंड, वेरी गुड। पंचर वुंड के अलावा एक पंचर वुंड होता है और दूसरे वुंड का अगर नाम ले ले साथ ही साथ में, तो उसे नाम देते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड। क्या नाम दिया है साथियों, पेनिट्रेटिंग वुंड। कौन सा वुंड भाई, जो पेनिट्रेट कर जाता हो और जो पंचर कर देता हो। देखो भैया पंचर वुंड का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको हम नाम बोल सकते हैं डीप वुंड। अरे क्या बोल सकते हो, डीप वुंड, जबकि पेनिट्रेटिंग वुंड अपने आप में एक पेनिट्रेट वुंड है, सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं। चलिए पंचर वुंड का मतलब है कि मान लेते हैं ये आपकी कोई आर्टरी है, ये आपकी कोई वेन है, और उस वेन में क्या कर दिया जाए साथियों, पंचर कर दिया जाए, दैट इज द पंचर वुंड। अरे हाँ या नहीं, किसी भी ऑर्गन के कंटिन्यूएशन में क्या कर दो आप, कहीं ना कहीं इंसिजन लगा दो, जैसे कि मैं सिंपल एग्जाम्पल दे दू आपको कि निडल के माध्यम से किया जाने वाला पंचर, That is the puncture। नाम भी सुना होगा ना, लंबर पंचर, मेरे सर से करते हो कि आपके सर से, अरे किसी से नहीं करते सर, आप कैसी बातें कर देते हो, किससे करते हैं, निडल्स। चलो भाई यहां तक बताकर चलो, पेनिट्रेटिंग वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड बड़ा सिंपल वुंड है साहब। चलिए देखो पंचर वुंड जो है, पंचर वुंड की एक कहानी और बता दूं आपको, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो रिस्क है वो मोर है इंफेक्शन की। क्या है भाई, यहां पे जो रिस्क है इंफेक्शन की वो ज्यादा है। ऐसा क्यों है साहब, क्योंकि यहां जो पंचर हुआ है उस पंचर साइट पे, उस पंचर साइट पे एक बैक्टीरिया आपका होता है, एरोबिक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, और नाम क्या होता है साथ ही उसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये होने के ज्यादा चांसेज होते हैं, तभी तो इंसिजन या पंचर हो जाता है। घर वाले कहते हैं बेटा टिटनिस का टीका लगवा ले, क्यों लगवा ले, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो वहां पर ग्रोथ कर सकता है और वुंड की जो डेप्थ है उस डेप्थ को और ज्यादा बढ़ा सकता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए पेनिट्रेटिंग वुंड की बात करते हैं, और पेनिट्रेटिंग वुंड सिंपल भाषा में आपको कह दें तो कुछ हार्ड एंड फास्ट काम नहीं करना है, बहुत सीधी भाषा में मैं आपको कह देता हूं कि पेनिट्रेट कर दिया, ये आपकी बॉडी है और यहां से किसी ने क्या करा, गन शूट करा। क्या करा भैया, गन शूट करा, और शूट करते हैं तो क्या होता है, गोली आर पार चली जाती है, बहुत अंदर तक चली जाती है, ऐसा डिचों है वो वाला, तो वो पेनिट्रेटिंग वुंड होता है। ये सोर्नो बात समझ में आई क्या, बहुत सिंपल सिंपल भाषाओं में मैंने आपको वुंड और वुंड के बारे में
बता दिया, ठीक है। ये पेनिट्रेटिंग वुंड के कारण क्या हो सकते हैं, कोई दवा के चाकू घोंस दे तो वो भी हो सकता है, कोई गन शॉट कर दे वो भी हो सकता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, पेनिट्रेट वुंड हो जाता है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि इतना बताने के बाद में मैं आपसे पूछूं, आपसे एग्जामिनर कहे कि एम्पुटेशन वुंड कौन से वुंड को कहते हैं, और ऑप्शन में ये पांच छह वुंड जो मैंने बता दिए ये सारे हैं, फटाफट से बताओ। एम्पुटेशन वुंड, एम्पुटेशन वुंड का मतलब रिमूवल वुंड आपका कहलाता है, और वो कहा जाता है साथियों, आप किसी चीज को हटा दो और हटा दोगे तो आपको दिखेगी, और दिखेगी तो कौन सा वुंड होगा भाई, ओपन वुंड होगा। क्लियर है आपका क्या? यस और नो? वेरी गुड। तो साथियों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को पहुंचाएं कंटेंट। आप सभी के लिए जबरदस्त काम है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। YouTube के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा खुद का ऐप है, इम्पेटस नर्सिंग अकेडमी, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और अपनी सुटेबल प्राइस में, बिल्कुल सुटेबल प्राइस में, लो कॉस्ट में आपको एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट विद नोट्स PDF मिल रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।